दोस्तों बड़ी खबर राजस्थान से है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री जीतमल खांड ने सोमवार शाम को अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से आरएनटी मेडिकल कॉलेज के महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में भर्ती थे। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें करीब 10 दिन पहले बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय से उदयपुर रेफर किया गया था। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खांड का शव उनके परिजन के साथ देर शाम को गृह क्षेत्र बांसवाड़ा के लिए रवाना हुआ। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल ने खांड की मृत्यु की पुष्टि की। पोसवाल ने बताया कि मृत्यु के दौरान खांड का एचआर स्कोर 25 में 23 था। वहीं आपको बता दें कि उनके निधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व मंत्री एवं गढ़ी बांसवाड़ा से भाजपा विधायक रहे श्री जीतनमल खांड के असामयिक निधन की खबर दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार जनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा की राजनीति में जीतमल खांड का काफी पुराना नाम है। जनता दल से भाजपा में शामिल हुए खांड 3 बार विधायक रहे हैं। इसमें 2 बार जनता दल और 1 बार भाजपा के टिकट पर वह चुनाव जीते थे। प्रदेश में पहली भाजपा सरकार में उन्हें मोटर गैराज राज्य मंत्री बनाया गया था। शायद वह पहले मंत्री थे जिन्हें केवल अकेले शपथ ग्रहण कराई गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। इसके बाद आगामी 2.5 साल के लिए धनसी रावत को मंत्री बनाया गया था। पिछली वसुंधरा सरकार के गठन से पहले उन्हें भाजपा में शामिल कर विधायक का टिकट दिया गया था। वहीं बांसवाड़ा में दबंग नेता की छवि रखने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया को राजनीतिक मंच पर चुनौती देने वाले नेता के नाम से भी जीतमल की अलग पहचान थी। अब की बार विधानसभा चुनाव में जीतमल खांड को भाजपा से टिकट नहीं दिया गया था। वह काफी लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में भी परेशानी का सामना कर रहे थे। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट जरूर करें।